प्यारे बच्चों, आज आपको हम फिजिक्स के बारे बोलेंगे। फिजिक्स में एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए बबल ऑफ एयर इंक्रीजेस 5 times इन राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक। सबसे पहले हम ये भी आपको आज बोल दे रहे हैं, आज मेरा 300 वीडियोज हो रहा, इसमें बहुत सारा मैथ दिया हुआ, बहुत किस्म का मैथ दिया हुआ, टू से लेके प्लस टू तक, यानी 12। तो आप इसमें वैरायटी तरह का मैथ जो है सीखना और सिखाना दोनों ही होगा, दोनों ही आपको दिए हुए हैं। तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। आज का मैथ भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है। इस मैथ में क्वेश्चन दिया हुआ, दी वॉल्यूम ऑफ ए बबल ऑफ एयर इंक्रीजेस 5 times इन राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक। हियर द बॉटम ऑफ ए लेक, सपोज दिस इज अ लेक, इट इज द बॉटम ऑफ ए लेक, हियर वन बबल इज जनरेटेड, व्हेन इट कम्स टू द सरफेस इट बिकम्स 5 times, क्लियर, इट बिकम्स 5 times। एक कब हो रहा देखना होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक। इफ द बैरोमेट्रिक हाइट इज 76 centimeter, That means barometric height उस समय क्या था, 76 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर याद रखिएगा, 76 सेंटीमीटर barometric, तो प्रेशर कितना बना, 76 इंटू mercury, दैट इज mercury डेंसिटी, दैट इज 13.6। तो एक चीज आपको याद रखना होगा, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, डेंसिटी ऑफ mercury इज 13.6 ग्राम पर सीसी, इट इज गिवेन। नाउ डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, देयरफोर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बी केयरफुल। नाउ वॉल्यूम इज 76 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 13.6, देयरफोर लेट एट बॉटम वॉल्यूम इक्वल टू V1, देयर प्रेशर इज is P1 equal to 76 centimeter into 13.6, 76 centimeter into 13.6 plus 8 centimeter, and why it is 8 centimeter, 76 centimeter into 13.6 plus 8, why 8, because this is up to this year is 76 centimeter and this water has some weight, it is not negligible, so if the height is not given, so I take h equal to the height of the or depth of the lake, so it should be added। तो आप यदि 80 kg का या 70 kg का है तो आपका प्रेशर फ्लोर में कितना आएगा, अर्थ में 70 kg और 80 kg, whatever may be, if you take another 50 kg, then total weight is total pressure, that is 70 plus 50, like this, this is air plus water height. Now you see, when V2 equal to 5 times of V1, therefore V2 equal to 5 times, it is given, mention kya hua hai, 5V1, जस्ट क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए आपका यहां दिया है 5 times। नाउ एट बॉटम हम लिखते हैं प्रेशर, एट बॉटम प्रेशर P1, तो बॉटम प्रेशर इसका कितना हो गया, बॉटम प्रेशर, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है, जहां V1 होगा वह P1 होगा, ये बॉटम वॉल्यूम तो बॉटम प्रेशर भी हो गया, इक्वल टू P1 एंड सरफेस प्रेशर इक्वल टू P2 एंड वॉल्यूम एट सरफेस वाटर सरफेस लिखे नहीं आप, हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम एट वाटर सरफेस इक्वल टू V2 एंड आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड V2 इज इक्वल टू 5V1 According to the gas equations, तो हम लोग क्या जानते हैं P1 V1 equal to P2 V2 like this,
बिकॉज या अंडर टी वन कर सकते हैं पी टू पी वन बी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू बाई टी टू बट टेम्परेचर इज योर कॉन्स्टेंट सो टी वन टी टू नो नीड टू राइट सो आपको क्या हो गया पी वन इज देयरफॉर पी वन बी वन इक्वल टू पी टू बी टू नाउ P1 is what? This is 76 into 13.6 plus 8. You write here 76 centimeter into 13.6 plus 8 centimeter equal to P2. P2 ka height kuch nahi hai, only 76 centimeter into 13.6. ग्राम पर सीसी इंटू फाइव बी वन विच आई हैव ऑलरेडी डन हियर नाउ यू सी दिस ओ सॉरी हियर आई एम नॉट इन बी वन यू हैव टू राइट द बी वन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू बी वन नाउ दिस बी वन एंड बी वन इज कैंसिल सो व्हाट इज हियर देयरफॉर 76 सेंटीमीटर इंटू 13.6 प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 76 इंटू 13.6 इंटू 5 नाउ यू ट्रांसफर दिस फ्रॉम हियर टू हियर तो व्हाट यू विल गेट एच हाइट इक्वल टू 76 इंटू 13.6 इंटू 5 minus 76 into 13.6 clear now you take 76 into 13.6 as a common then 5 minus 1 that is 4 now this is the height of the or height or depth of the pond or sorry lake 13.6 into 4 So automatically you can calculate it. This is 304. This is 304. 304 into 13.6 cc. Sorry, this is centimeter, not cc. Now you do here. It is simply mathematics, totally complete. 304 and 13.6 So how much it is? You see the this is 4134.4 centimeter. That means how much? This is divided by 1000. This is divided by 100 is meter. Kyunki 100 centimeter equal to 1 meter. Here, then 1000 meter equal to 1 kilometer. So, if you don't need, if you have divided by 100, so automatically it is coming here. It is coming here. So, how much it is now? 41.34 meter. Clear? 41.34 meter. So, pyare bachcho, aapko jadi ye wala achha lage, aap अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिए जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच